नमस्कार, एसए न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महागठबंधन के ऊपर महासंग्राम की, और वो भी बुलंदशहर की सीट की। सभी जहां जहां से बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हमारी कोशिश है कि वहां का एनालिसिस, वहां की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएं। और आज हम लोग बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर के अंदर त्रिकोण बना हुआ है, क्योंकि तीन दिग्गज वहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो कौन कौन है हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के हैं डॉक्टर भोला सिंह, और भोला सिंह का भाजपा में गढ़ है और काफ़ी अच्छे से मजबूत स्तर के कार्यकर्ता भी रहे हैं, और वर्तमान में सांसद भी हैं। रिंग रोड बनाने के प्रस्ताव को भेजकर चर्चा में भी आ गए, लेकिन इनकी कमजोरी हम आपको बता दें, इनकी कमजोरी यह है कि जनता के बीच में इनकी पकड़ नहीं है, क्योंकि बीजेपी के दौर के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर आ गए थे, लेकिन इस वक्त इनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जनता वहां पर इनको नापसंद करती जा रही है। जो इन्होंने गांव गोद लिए थे, वहां के लोगों से जब हमने बात करी तो उनकी रिपोर्ट थी कि उन्होंने बिल्कुल भी गोद लिए हुए गांव के अंदर कोई भी विशेष कार्य नहीं करवाए हैं। कांग्रेस के हैं बंसी सिंह जी, और बंसी सिंह का हम आपको बता दें कि जनता के बीच में इनकी भी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, और युवाओं से खास तौर से इनकी दूरी रही है, क्योंकि ये अपनी एज में अपनी एक क्षमताओं के हिसाब से वर्क करते हैं, लेकिन यूथ और मुस्लिम वोटर इनके उसमें नहीं है। और बुलंदशहर से टोटल जो लड़ रहे हैं वो 9 प्रत्याशी हैं, और जो तीसरे प्रत्याशी वो हैं बसपा के वो नेता जिनको सभी लोग जानते हैं, योगेश वर्मा जी। और योगेश वर्मा जी के बारे में हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है, उनके साथ काफी काम करने का मौका मिला है। वर्मा परिवार तो इनके साथ है ही है, लेकिन इनके साथ गुर्जर, जाट और SC ST OBC भी इनके साथ बहुत बड़ी समुदाय के साथ चल रहा है। 9 प्रत्याशियों में जो सबसे ज़्यादा मजबूत माने जा रहे हैं वो बुलंदशहर के अंदर योगेश वर्मा जी माने जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अभी गठबंधन हुआ है वो SC ST OBC के अलावा सपा और बसपा का मजबूत गठबंधन और मजबूत वोटर भी इनको मिल रहे हैं, और मुस्लिम समाज भी बहुत बढ़ चढ़ कर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से थोड़ा सा खफा है। कांग्रेस का हमने आपको बता दिया कि कांग्रेस से क्यों नहीं वोट करना पसंद करते हैं इस वक्त, और भाजपा से काफ़ी हद तक वोट सारा इधर ही आना है कांग्रेस और बसपा के अंदर। तो जो त्रिकोण बन रहा है 9 का, त्रिकोण में 9 को छोड़ के हम लोग सिर्फ अगर 3 की बात करें, जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो योगेश वर्मा हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं बसपा के, और बहुत अच्छी छवि भी है। लेकिन 2 अप्रैल को जेल गए थे, उसके बाद रासुका लगा दी गई थी उनके बाद। उनके जो बहुजन समाज के बहुत अच्छे लोग हैं और जो बहुत ज़्यादा भाजपा से खफा हैं, वो भी इनके साथ, योगेश जी के साथ बहुत अच्छे मजबूती के साथ जुड़ चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि भाजपा को जड़ से उखाड़ देना है। जो पूरी रिपोर्ट्स हम लोगों ने बनाई थी, हम आपको बता दें कि जो 9 कैंडिडेट हैं वो हम आपको बता देते हैं। वो हैं प्रमोद कुमार, रीना देवी, विनय कुमार सिंह, सतीश, मनोज कुमार सिंह और राधिका देवी, ये बाकी के कैंडिडेट हैं। और वहाँ के जो वोटर हैं उसका भी हम लोग आपको एक रिपोर्ट देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बसपा का जो उम्मीदवार है वो कैसे मजबूत है। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के दें, ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको, ताकि हम आगे की रिपोर्ट्स भी आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।